एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं सुबह का टाइम है, मैं यहाँ पर गर्म पानी पी रही हूँ और उसके बाद मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट। आज मैं बनाऊँगी आलू के पराठे। उसके लिए मैंने आलू उबाल लिए थे, फिर उसमें हरा धनिया, हरी मिर्च और लहसुन प्याज ये सब काट कर मिक्स कर दिए थे। और उसके बाद मैंने सेवई बना ली है बच्चों के लिए और ये यहाँ पर तैयार हो गया है ड्यूटी जाने के लिए। और बच्चों की कर दी आज छुट्टी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, ठंड में मन नहीं करता है बच्चों को स्कूल भेजने का, तो बस इसीलिए इनकी आज छुट्टी कर दी थी। और ये मैंने धनिया निकाल कर रख दिया है धूप में सुखाने के लिए, क्योंकि मुझे इसका पाउडर बनाना है। धनिया का पाउडर मैं घर पर ही तैयार करती हूँ और धनिया पाउडर लगता भी बहुत है पराठों में, सब्जी में, तो मैं इसका पाउडर बना के तैयार कर लूँगी। उसके बाद मैं डस्टिंग क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी, झाड़ू पोछा। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। सर्दियों में दिन बहुत छोटे होते हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से काम निपटा लेती हूँ। और जब तक मेरा काम चलता है सुबह का, तब तक मैं मोबाइल वगैरह कुछ नहीं उठाती हूँ, क्योंकि एक बार अगर मोबाइल उठा लिया तो सारे काम में लेट हो जाते हैं। तो मैं फटाफट से पहले अपना काम ख़त्म करती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम छोटे बच्चों में काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस जब तक मेरा काम रहता है तब तक मैं मोबाइल नहीं उठाती, पहले काम ख़त्म करती हूँ उसके बाद ही, क्योंकि सबसे पहले अपने बच्चे, अपनी फैमिली और अपना घर का काम है क्लीनिंग का। उसके बाद ही ये है कि हम चलो वीडियो बनाकर डाल देते हैं, टाइम मिलता है तो लाइव भी कर लेते हैं। वैसे तो काम दोनों ज़रूरी है, पर ये है कि थोड़ा सा अपना, अपने बच्चे और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना चाहिए, कहीं वीडियो बनाने के चक्कर में सब काम लेट हो जाते हैं। वैसे तो मुझे पता है कि जैसे YT पर हम काम करते हैं तो YT का टारगेट पूरा करना आसान नहीं है, 1K सब्सक्राइबर्स और 4K वॉच टाइम। तो बस वही है, थोड़ी सी मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी और हम मेहनत कर भी रही है। बस वही है, थोड़ा सा पहले काम ख़त्म कर लो, उसके बाद हमें टाइम इतना मिल जाता है कि YT पर भी हम अपना काम करते रहे। बस वही है, थोड़ा सा सब चीज़ों को मेंटेन करके चलना है हमें। देखिए, ये मार्केट गए थे तो कान्हा जी के लिए कुछ सामान लेकर आए हैं। तो ये कान्हा जी का गद्दा है और ब्लैंकेट है, पिलो है। ये 3 जोड़ी रिया अपने लड्डू गोपाल जी के लिए लेकर आई है और 1 टोकरी लेकर आई है। ये देखिए, ये 2 टोकरी लेकर आए हैं हम, क्योंकि एक कान्हा जी हमारे गांव में भी रहते हैं 7 नंबर के में, तो उनके लिए 1 टोकरी और 2 ब्लैंकेट, पिलो, ये सब उनके लिए भी लेकर आए हैं 2 जोड़ी। तो बस ये सब सामान रिया लेकर आई है अपनी पसंद का। रिया को बहुत अच्छा लगता है कान्हा की सेवा करना। तो बस रिया अपने लड्डू गोपाल जी के लिए सामान ले रही थी, तो उसने कहा कि मैं जो गाँव में कान्हा जी है तो उसके लिए भी ले लेती हूँ। तो बस 2 जोड़ी ये गाँव वाले कान्हा जी के लिए हो गई और 1 टोकरी हो गई लड्डू गोपाल जी की। ये देखना कितनी प्यारी लग रही है। अब रिया खुश हो रही थी कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को धूप में बिठाऊंगी, टोकरी में बिठा के। तो बस वही है, जब हम बाहर जाते हैं तो इसमें लड्डू गोपाल जी को बिठाकर बाहर ले जाते हैं। जैसे अब धूप सेकने के लिए हम नीचे जाना होता है, तो बस हम लड्डू गोपाल जी को भी इसमें बिठा कर ले जाएंगे। ये देखिए, लड्डू गोपाल जी नहा धोकर तैयार हो गए हैं, कंबल ओढ़ के बैठे हैं। तो बस जब धूप निकलेगी तो रिया धूप में लेकर बैठ जाएगी इनको। और मैं यहाँ पर बच्चों को अमरूद काट कर दे रही हूँ।
ये देखिए सर्दियों में मैंने कॉटन की चादर हटा दी है और ये कंबल भी छा दिया है, ये गर्म रहता है बहुत, तो मैं सर्दियों में इसको ही डाल कर रखूँगी बेड पर, क्योंकि कॉटन की चादर जो होती है उनमें बहुत ठंड लगती है। और ये मेरे कपड़े सूख गए थे तो मैं इनकी तह लगा कर रख देती हूँ। और ये नमन की ड्रेस थी जो थोड़ी सी फट गई थी, सिलाई छूट गई थी इसकी, तो मैं इसकी अभी सिलाई करके रख दूँगी क्योंकि फिर याद नहीं रहता। और ये देखिए एक तरफ से यहाँ से ज़्यादा मोटा था तो सुई टूटने का डर रहता है, तो मैं सुई धागे से सिल लूँगी इसे, क्योंकि अगर ज़्यादा मोटा कपड़ा रहता है तो कई बार मेरे से सिलाई मशीन की सुई टूट गई है, तो मैं इसे को सुई धागे से सिल लूँगी। और यहाँ पर मैं पोचा लगा रही थी और बच्चे बैठे थे धूप में बालकनी में, तो बस ये धूप में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं और मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग सुबह से दोपहर तक का। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। वो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, जय माता दी। Thank you.